उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने अतीक के गुर्गे सफदर अली के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया। मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सफदर की जानसिंहगंज चौराहे पर बंदूक की दुकान है और पुलिस को ऐसी आशंका है कि यहीं से हत्याकांड में इस्तेमाल बंदूकें खरीदी गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि अतीक के गुर्गे कई बार इस गन हाउस पर पहुंचे थे। तो लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है अतीक अहमद के गुर्गे के घर पर, और ये उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई हुई है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया इलाके में ये अवैध संपत्ति थी जिस पर आज कार्रवाई हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर आज भी एक्शन जारी है। सफदर अली का मकान बताया जा रहा है जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस बल भी मौके पर इस वक्त मौके पर मौजूद है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त प्रयागराज से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, कार्रवाई जारी है, कहां तक पहुंची है कार्रवाई अब तक? आवाज आ रही है वीरेश जी आपको मेरी? जी आवाज आ रही है, और कार्रवाई लगभग ये जो मकान है उसकी खत्म हो चुकी है, और कैमरे की नज़र से यहाँ जो विध्वंस हुआ है, जो ढहाई गई है इमारत, उसे मैं दिखाना चाहूँगा। पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है ये मकान। और यहाँ जो मकान है उसके बगल में जो दूसरे की मकान है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, और वो पेशे से वकील साहब हैं, और जिनका मकान गिराया गया वो भी हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ। जो साहब हैं, आपकी ये जो मकान गिरा दी गई और आप चुपचाप यहाँ खड़े रहे, आपको तो हिरासत में भी नहीं लिया, आपको गिरफ्तार भी नहीं किया, और पड़ोस में वकील साहब हैं, इनके मकान को ऐसा है, एक कहावत है कि जबरा मारे और रोवे न दे। अब बताइए कि इस प्रशासन से इनसे मैं क्या लड़ सकता हूँ? ये लोग जितने खड़े हैं इनसे क्या कुश्ती कर सकता हूँ? इनसे कुश्ती कर सकता हूँ? अरे भाई, ये जितने लोग खड़े हैं मददगार लोग, तो मैं क्या इनसे कोई लड़ाई लड़ सकता हूँ? मेरा मना था कि मुझे ना नोटिस दी गई है, ना मुझसे कुछ बताया गया है। मुझे सूचना मिली है कि सुबह 5 बजे कोई लोग आए थे, 3 लोग, और ले आके मेरे गेट पर एक कागज़ लगाए, लगाने के बाद फ़ोटो खींचा, चले गए निकाल के, उसको निकाल के ले गए। मुझे तो कोई इल्म नहीं है इसका। प्रशासन के लोग ओहो कौन था ये, मुझे क्या बताऊँ? मैं जब देखे मैं सो रहा हूँ घर के अंदर, तो मैं क्या बता सकता हूँ कौन था? अच्छा, अब तो पूरी तरीके से ठीक है, गिरा दें, मतलब कहते हैं पूरा इलाहाबाद को गिरवा दें। हाँ। सारे गुंडे बदमाश लोग हैं, सबको गिरवा दें। हमें क्या दिक्कत? हथियार की सप्लाई किए थे आप बता? हाँ जी जी। हाँ। तो उसके लिए तो जांच विषय है ना। हाँ। जांच करना चाहिए कि हमारी दुकान से किसको दिया। हाँ। कहाँ दिया, हमारे पास उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसको दिया। अगर आप डकैत हैं और आपको लाइसेंस दिया गया है तो मैं तो आपको बेच दूंगा, मुझे क्या पता है। आप बताइए, आप जो हैं गुंडा हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, अब मैं अगर लाइसेंस उनको दे दिया गया है तो वो तो मैं उसे क्लेम करेगा कि हमको 10 कारतूस दे दो। मैं क्या जानूं कि कौन है क्या नहीं है? सामान बाहर रखा है, अब पड़ा हुआ है सामान सब, वो भी उठा ले जाए लोग, क्या करना है? तो भाई जबरा बात है, जो चाहे करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछताछ नहीं, हमसे कहा कि पूछताछ होगी, वो तो गिराना था गिरा दिए, पूछताछ बिल्कुल। वकील साहब बताइए, ये जो आपका मकान गिराया गया है बगल में, आपका भी मकान क्षतिग्रस्त है, आप तो कोर्ट से आनंद फानन में आए और हम ही पे बरस गए। अब हम कैसे समझे कि आप सोचे थे कि ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी? यही हम समझे थे, इसलिए हम कह रहे हैं। क्या हुआ इसमें? वो दिखाई नहीं दे रहा घर को, दिखाइए वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? नहीं चलो, क्या करेंगे, आप तो वकील हैं। हाँ, तो डैमेजेस क्लेम करेंगे जो हमारा नुकसान किया है इन्होंने। अच्छा, कोर्ट चले जाएंगे? कोर्ट में तो रहते ही हैं हमेशा, और जाएं चाहे तब ठोक दें। नहीं, अभी ठोकें, कल नोटिस देते हैं। अच्छा, पीडीए को? और क्या, प्रयागराज डेवलपमेंट है जिन्होंने तोड़ा है उनको कल देते। ऊपर का जंगला हमारा दरवाजा था वहाँ लगा था ऊपर, वो तोड़ दिया और नीचे जंगला लगा था। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, साफ तौर पर नाखुश नजर आ रहे हैं प्रशासन की कार्रवाई से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।